हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं और मेरी मम्मी हम दोनों करने जा रहे हैं एग्लोनिमा को प्रोपगेट। सो यहाँ पर दो डिफरेंट वेराइटीज के एग्लोनिमा प्रेजेंट है। और गाइस, जब हम नर्सरी आए फूलों में पानी देने के लिए, तो देखा कि इन्होंने भी प्लांट्स दिए हुए हैं। और जैसे कि इनका सीज़न जाने वाला है, तो हम लोग जितना हो सके इन्हें प्रोपगेट करके अभी रख देंगे। प्रोपगेशन करने का बहुत सारे रीजंस है गाइस। एक तो गाइस इनकी रिपोर्टिंग भी हो जाती है, और साथ में गाइस जो नए बेबी प्लांट्स आ रहे हैं उनको फुल न्यूट्रिशन मिल जाता है। क्योंकि गाइस जो बड़े प्लांट होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन ले लेते हैं सॉइल से, और जो छोटे प्लांट होते हैं उनको अच्छे से नहीं मिलता है। तो जब हम उनको अलग करके दूसरे गमले में लगाते हैं, तो उनको अच्छे से न्यूट्रिशन प्लस एयर और वाटर फुल अमाउंट में मिलता है। ये देखिए, मेरा प्यारा शेरू भी यहाँ पर आया हुआ है, मेरा शेरू भाई। और मेरे पापा भी यहाँ पर काम कर रहे हैं नर्सरी के सामने, जितने भी घास फूस है। और हमारा नर्सरी जंगल के सामने है, तो बहुत ज़्यादा जो मतलब कि वाइंस है वो आ जाती है, जो टहनियाँ टाइप की होती है गाइस, लंबे लंबे वो आ जाते हैं, तो उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने सॉइल मिक्सचर रेडी कर रखा है, और ये कुछ छोटे छोटे से गमले हैं जिसमें हम लगाएंगे। छोटे छोटे से नहीं गाइस, दे ऑल आर मीडियम साइज्ड पॉट, तो उसी में लगाएंगे। और यहाँ पर सॉइल मिक्सचर में मेरी मम्मी ने तैयार किया है गार्डन सॉइल, रिवर सैंड, काउडंग मैन्योर एंड पत्तों की खाद। फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करा है और नीम कली का भी इस्तेमाल नहीं करा है। ये देखिए कितना सुंदर है, एंड लुक एट द कलर ऑफ दिस एग्लोनिमा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस, बेहद खूबसूरत कलर है इसका। ये जितना खूबसूरत है ये महंगा भी इतना ही होता है। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है वाइट वाले से, वाइट वाला थोड़ा कम ही एक्सपेंसिव है गाइस इस एग्लोनिमा से। तो यहाँ पर देखिए, ये बड़ा प्लास्टिक है, तो बड़े प्लांट के लिए हम बड़ा पॉट का ही इस्तेमाल करेंगे। और बड़ा पॉट मिल नहीं रहा था, तो ये बड़ा ग्रोइंग बैग में ही हम इसको लगा रहे हैं। और इसमें सॉइल अच्छे से भरेंगे, इसके रूट को अच्छे से दबा देंगे गाइस। सो ये देखिए, ये है लगाने का तरीका। अगर आप लोगों को प्लांट लगाना नहीं आता है, तो मेरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। और आज तो गाइस मैंने ये वाला पार्ट जो है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं करा है। सो ये देखिए गाइस, ये जो प्लांट है, एक्चुअली ये जो एग्लोनिमा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये खुद बेबी प्लांट है, और बेबी प्लांट ने और भी बेबीज दिए हैं गाइस। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो समर, रेनी और जो स्प्रिंग सीजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है। डॉर्मेंसी में वो विंटर सीजन में हल्के टाइम के लिए चले जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डॉर्मेंसी में आप लोग इसको थोड़ा बचा के रखिए, तो आप लोगों का ये प्लांट ज़रूर अच्छा ग्रो करेगा, जैसे कि मेरे यहाँ पर हो रखा है। देखिए, एक प्लांट से हम लोग ढेर सारे प्लांट बना लेंगे अभी थोड़ी देर में, आपकी आंखों के सामने ही गाइस। तो इसे भी ये देखिए गाइस, किस तरह से हम निकालते, एकदम नीचे से निकालना है, विदाउट डिस्टर्बिंग देयर रूट और विदाउट डैमेजिंग देयर रूट। तो बिल्कुल भी इनकी जड़ों को डैमेज नहीं करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टेक केयर ऑफ देयर रूट्स। और गाइस, कभी कभार क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता है कि किस तरह से रिपोर्ट करना है या फिर किस तरह से प्रोपगेट करना है। सो व्हाट दे डू इज़ दे जनरली टेक आउट प्लांट विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स। सो लीव्स से प्लांट को नहीं खींचना है, दिस कैन डैमेज द होल प्लांट। तो इसीलिए आप लोगों ने एकदम नीचे से निकालना है, इस बात का ध्यान रखिए गाइस। और सॉइल मिक्सचर आपके गाइस आपके हिसाब से तैयार कीजिए। आपके वहाँ पर जिस तरीके का मिट्टी अवेलेबल है, उस तरीके के आप खाद और फिर गाइस उसी तरीके के जो मैन्योर फर्टिलाइज़र होते हैं उसका इस्तेमाल किया करें। आप चाहें तो आप कोकोपीट का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोपीट से आपका जो मिट्टी होता है वो हल्का रहेगा, और प्लांट के लिए भी वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो जितना प्लांट का साइज़ है उसी के हिसाब से आप लोगों ने उनको गमले में लगाना है। बड़ा प्लांट है तो बड़े गमले में, मीडियम साइज़ का प्लांट है तो ऑब्वियसली मीडियम साइज़ के गमले में, एंड इफ़ इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़ देन यू शुड यूज़ स्मॉल पॉट।
ठीक है गाइस, तो आप लोगों को मैं छोटी छोटी जानकारियाँ देती रहती हूँ। और ये जो वाइट एग्लोनिमा है, इसे हम सोनोहाइप भी कहते हैं, इसे सिल्वर एग्लोनिमा भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसकी। तो देखिए किस तरह से इन्होंने भी बेबी प्लांट्स दिए हैं एंड इनके रूट्स बहुत जल्दी बाउंड हो जाते हैं गाइस। मैंने बहुत बार नोटिस करा है, आई हैव सीन रूट बाउंड इन मैनी काइंड ऑफ सोनोहाइप, बहुत सी सोनोहाइप में मैंने देखा है। तो यहाँ पर देखिए इनके बच्चे थोड़े से छोटे हैं, सो वी हैव टू डिवाइड विद देयर मदर वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से इनकी मदर प्लांट से अलग करना है, ऐसे ज़ोर से खींचना नहीं है गाइस, ठीक है। एंड जो भी पुराने रूट्स है उसे हम इस तरह से कट करके फेंक देंगे, वी विल ओनली कीप न्यू रूट्स, ठीक है। तो जो नई जड़े हैं उनको ही हम रखेंगे। यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती हूँ। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम फॉलो कर रहे हैं स्टेप्स को। एंड गाइस, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग ड्यू टू द फास्ट फॉरवर्ड ऑफ दिस वीडियो, सो यू कैन जस्ट स्लो डाउन इट, ठीक है, आप लोग स्लो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लगा रहे हैं, देखिए जो बड़ा प्लांट है ऑब्वियसली बड़े गमले में। तो गाइस वीडियो को एंजॉय करें और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं गाइस, आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दें, वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाती रहती हूँ। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक, लुक एट दीज प्लांट, हम लोगों ने कितने सारे बनाए हैं, बस तीन प्लांट्स थे, हम आई थिंक चार प्लांट्स थे और चार प्लांट्स से देखिए कितने सारे बना दिए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस, अपना ढेर सारा प्यार दे। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं? जी हाँ गाइस, लास्ट स्टेप में हम देते हैं इनमें पानी, सो माई मदर इज़ गिविंग वाटर टू दीज प्लांट्स। इनकी रूट्स अभी मूव हो गई है, तो दे ऑल नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, तो उन्हें पानी चाहिए। और अभी समर सीज़न ही है बताऊँ तो, क्योंकि यहाँ पर तो ठंड बिल्कुल भी नहीं है, बिलीव इन टेम्परेट जोन गाइस, तो यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं है, सो हम लोग इसे पानी अच्छे से देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।